अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ जिसका नाम है दम दही चिकन। उसके लिए मैं ले रही हूँ बादाम 6, 1 टेबल स्पून खोपरा, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी ली है, 1 स्पून गरम मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 कप घी लिया है, 1 प्याली दही लिया है, 1 प्याज लिया है, 1 टमाटर लिया है, मुर्गी ली है 1 प्लेट। प्याज को हम फ्राई करेंगे। पतीली में हम घी डालेंगे। इसको मेल्ट करेंगे। ये हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। मैंने इसमें घी लिया था, आप इसमें ऑयल भी ले सकते हैं। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और खोपरे को हम पीस लेंगे। माने रहीम, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम मुर्गी डालेंगे एक बॉल में। मुर्गी डालने के बाद जो हमारे मसाले हैं सारे वो हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। पेपरिका पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला डाल रही हूँ, काली मिर्च पाउडर, लास्ट में नमक डाल रही हूँ। इसमें दही डालेंगे। दही को हमने फेंट लिया था। दही जब भी यूज किया करें तो फेंट कर यूज किया करें। अब हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं। इसमें बादाम और खोपरा जो हमने पीस लिया है वो डालेंगे। प्याज को हमने फ्राई किया है वो डालेंगे। तमाम चीजें शामिल करने के बाद अब हम इसको हिलाएंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे हम और मिक्स करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप अगर चाहें तो इसको पूरी नाइट के लिए भी रख सकते हैं। जब अगर आप पूरी रात के लिए इसको रखेंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। मैं इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट होकर रख दूंगी। इसको मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। 2 घंटे हो चुके हैं मैरिनेट हुए वैसे। अब हम चिकन को पकाने के लिए रखेंगे। हमने प्याज फ्राई किए थे उसी घी में हम अपनी मुर्गी जो मैरिनेट हुई है वो डाल देंगे। मुर्गी डालने के बाद चम्मच से इसको हिलाएंगे।
पाना शुरू हो चुका है हमारे, और मुझे कलर भी चेंज हो चुका है। जिस मसाले में हमने मुर्गी को मैरिनेट करके रखा था उसी मसाले में हम आधा कप पानी शामिल करके अपनी मुर्गी के सालन में शामिल कर देंगे। फिर चम्मच से इसको हिला लेंगे। मुर्गी में पानी शामिल करने के बाद 20 मिनट के लिए इसको ढक्कन रख के पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपना सालन चेक करेंगे। चिकन हमारी गल चुकी है, अब हम अपने तड़के की तैयारी शुरू करेंगे। तड़के के लिए जो हम चीजें ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं लाल मोटी मिर्च ले रहे हैं, एक छोटी इलायची ले रहे हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा ले रहे हैं और 4 से 5 हम कड़ी पत्ते ले रहे हैं। सबसे पहले हम घी डालेंगे फ्राई पैन में। चीजें शामिल कर देंगे। तड़के में खुशबू आना शुरू हो चुकी है, अब हम इसे अपने सालन में डाल देंगे। सालन में तड़का डालने के बाद अब हम इसको हिला रहे हैं। तड़का लगाने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। दम दही चिकन तैयार है, अब हम इसे सर्व करने लगे हैं। ऊपर गार्निशिंग करने लगे हैं पुदीने से और हरी मिर्चों से। मजेदार गर्मा गर्म दम चरी चिकन तैयार है, आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि जब आप इन्हें बनाए तो ये आपकी कैसी बनी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहली मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।